हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो एक्सपो 2023। हम आए हैं एमजी के पिविल में, जहां पर ये हैचबैक को शोकेस किया गया। और ये एक इलेक्ट्रिक हैचबैक है, बहुत सारे फीचर्स हैं और 450 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज है। लेकिन क्या इसे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा या किया जाएगा तो किस प्राइस में किया जा सकता है, उसके साथ साथ इसमें क्या फीचर्स आते हैं और कैसे ये स्पेशल है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑटो एक्सपो की बाकी वीडियोस हम अपलोड कर भी रहे हैं और काफ़ी कर भी चुके हैं, तो उन्हें भी चेकआउट आप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन से। देखो फ्रंट में इसका एक तो पहले तो नाम MG4 है, बताना भूल ही गया। इन साथ में LED ही सारा ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा आपको। इसका रेडार सेंसर यहाँ पर मिलेगा क्योंकि ADAS फीचर्स भी इसमें आते हैं। फ्रंट वाला कैमरा भी आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो। अब ये एक ऑल इलेक्ट्रिक हैचबैक है और आपको मैक्सिमम 450 किलोमीटर्स की रेंज देती है, बिकॉज दो तरह के बैटरी पैक आते हैं, 51 kWh वाला और 61 kWh वाला। तो दोनों की पावर्स भी, और जो दोनों की पावर्स हैं 170 BHP 210 BHP दोनों की रिस्पेक्टिवली, और साथ में रेंज भी आपके लिए लिख देता हूँ। अब इंडिया में हो सकता है वैसे 350 किलोमीटर रेंज वाला यानी कि 170 BHP वाला मॉडल आए। चलिए अब इसका एक्सटीरियर यानी कि वॉक अराउंड कर लेते हैं। तो LED ही प्रॉपर लाइट्स आपको मिलेंगी यहाँ पर, ऑफर की जाती हैं, लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और उसके साथ साथ आपको MG का बड़ा सारा लोगो भी ऑफर किया जाता है। साथ में अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप हाउसिंग नहीं बट एक डिज़ाइन दिया गया क्लैडिंग के साथ, लेकिन फॉग लैंप हाउसिंग इसलिए नहीं है बिकॉज इलेक्ट्रिक में आती भी नहीं है। मुझे वैसे अच्छी लग रही है, शार्प आईज इसकी पूरी नीचे तक आती हुई, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये सब्जेक्टिव है, किसी को अच्छी लग सकती है किसी को नहीं, बट एक हैचबैक के तौर पे इट्स वेरी वेरी अग्रेसिव। अब चलते हैं इसकी थोड़ा सा और साइड प्रोफाइल की तरफ। आपको दिखाना चाहूँगा इसके ओवरऑल साइड स्टैंड्स। एलॉय व्हील से शुरुआत करते हैं, मैसिव एलॉय व्हील्स ऑफ 17 इंचेस हैचबैक में यूजुअली इतने आते नहीं। 215x50 का सेक्शन मिल जाता है, कॉन्टिनेंटल के टायर्स ऑफर किए गए हैं। व्हील आर्च का साइज मुझे अच्छा लग रहा है। आई नो इट्स अ हैचबैक, बट ये एक लंबी हैचबैक है, दिस इज़ अ 4.2 meter हैचबैक। इसे जब इंडिया में लॉन्च किया जाएगा थोड़ा छोटा ज़रूर किया जाएगा, तो डायमेंशंस को थोड़ा इग्नोर आप कर सकते हैं। अब इसकी साइड प्रोफाइल, यहाँ पर आपको 360 degree कैमरा का राइट कैमरा मिल जाएगा, थोड़ी सी 170 के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जाती है। रिक्वायरमेंट्स ऑफकोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, और ऊपर ऑफकोर्स हैचबैक है तो किस तरह के रूफ रेल्स नहीं है, लेकिन मेजर डिज़ाइन जो है जो आपको हो सकता है अट्रैक्ट करे वो इसकी रियर है। रियर साइड में आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगने वाली है, बिकॉज ये आपका एक स्टैंड बन गया, टेबल बन गया, यहाँ पर अपना रखो प्लेट और खाना खाओ। जब आप ड्राइव पे जाओगे, घूमने फिरने जाते हो, तब आपको एक जगह चाहिए होती है, बिकॉज बोनट तो काफ़ी स्लोपिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको स्ट्रेट पूरा मिल जाता है। तो आप खाने पीने के अगर शौकीन हो, ड्राइव पे जाना पसंद करते हो, चपाटी स्ट्रीट फूड खाते हो, तो आपके लिए ये फीचर तो पक्का काम आएगा। हालांकि डिज़ाइन दिखने में अच्छा लग रहा है, किस तरह का कुछ स्पॉयलर ऐसे तीखा वाला नहीं है, पूरा पूरा स्लांट स्लोपिंग आता है, बिकॉज यहाँ पर इसको पूरा स्पॉयलर की तरह मिल जाता है। एरोडायनेमिक्स में डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। MG का बड़ा सारा लोगो, MG4 की, यहाँ पर ऑफकोर्स बैजिंग नहीं मिलेगी, यहाँ आपकी नंबर प्लेट लगेगी, बैजिंग मिलेगी आपको इस तरफ, MG4 इलेक्ट्रिक, बिकॉज ऑफकोर्स ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। पार्किंग सेंसर्स 4, अच्छी खासी टेल लैम्प का डिज़ाइन, हाँ ये भी दिखा दूँ आपको, टेल लैम्प का प्रॉपर डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बूट स्पेस जो है वो भी आपको 350 लीटर्स की मिल जाती है, जो कि आई थिंक एक बहुत अच्छा नंबर है। एक्सपेंड करना चाहो तो 1160 लीटर्स की हो जाती है, बैटरी होने के बावजूद आपको ये स्पेस मिल रही है, दैट्स रियली रियली गुड। बाकी यहाँ जो आपको गाड़ी के बारे में और बता देता हूँ। अब इस MG4 का इंटीरियर, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, सारे जो गियर नॉब्स है वो इस तरफ है, यूजुअली नीचे होते हैं, इन्होंने यहाँ ऊपर दिए हैं, तो आई थिंक यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, दैट्स रियली डिफरेंट। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी आपको यहीं पर ऑफर की गई है, AC वेंट्स, और साथ में बड़ी आपको 10 इंच तो नहीं लग रही वैसे, ये 9 इंच के आसपास की स्क्रीन है, मे बी डायगनली देखें 10 इंचेस की हो जाए, बट ऑफकोर्स एंड्रॉयड 12 प्रो कारप्ले सब हर तरह की चीज़ जो है वो इसमें ऑफर है। MID आपको एक मिल जाती है अप्रॉक्सीमेटली 7 इंचेस की, जिसमें आपको सारे डिजिटल वाले ऑप्शंस हैं, ADAS फीचर्स हैं, और व्हीकल की लाइट्स ऑन ऑफ यहाँ से होती हैं, तो वो भी यहाँ पर ही आपको विजिबल हो जाती हैं। आर्मरेस्ट प्रोवाइडेड है, हालांकि ये स्लाइडिंग नहीं है, और लेकिन स्लाइडिंग की रिक्वायरमेंट भी मुझे नहीं लग रही, बट हाँ गियर चेंज करना है तो आपको एल्बो अपनी उठानी ही पड़ती है, बट ये ज़्यादा चीज़ें ना डिटेल्ड है, ये आई थिंक जब प्रॉपर लॉन्च हो जाएगी रिव्यू करेंगे तब देखेंगे। अभी यहाँ पर स्टेयरिंग माउंटेड आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, 2-spoke स्टेयरिंग है, नीचे कुछ नहीं है, दिखने में अच्छा लग रहा है। MG का आई थिंक अभी तक का ये बेस्ट स्टेयरिंग व्हील लगा मुझे जो प्रोडक्शन रेडी है। साथ में आपको सारे कंट्रोल्स राइट साइड पे, सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर भी, इस तरफ देखेंगे तो आपको ग्लव बॉक्स भी डिसेंट साइज का मिल जाता है, अंदर उतनी स्टोरेज नहीं है जितना बाहर से बड़ा है, बट इट्स परफेक्टली फाइन। सीट्स थोड़ी छोटी है, मतलब हैचबैक वाली पूरी फील दिला रहे, ऑफकोर्स दिस इज एन ऑटोमेटिक वेरिएंट, डेड पेडल वगैरह सब कुछ ऑफर किया गया, और इंटीरियर में लेकिन स्पेस अच्छी लग रही है। रियर साइड चेकआउट कर लेते हैं। डोर थंप बहुत अच्छा लगता है, MG ना बिल्ड क्वालिटी में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। रियर साइड में थोड़ा सा हेडरूम मेरे को कम लगा टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ओवरऑल अंदर स्पेस अच्छी खासी इस चीज़ की है कि फ्लोर बहुत कम है, तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप फंस सकते हो, सेंटर में भी अगर आप पैर रखना चाहो तो रख सकते हो, 3 लोग बैठ पाओगे।
इन सीट्स की अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि थोड़ी सी स्लांटेड है, यानी कि स्लोप ज़्यादा है, तो जब भी आप इसमें बैठोगे तो आप थोड़ा कंफर्टेबली पीछे होके बैठोगे, थोड़ा बकेट सीट टाइप इसका स्टाइल है। आर्मरेस्ट वगैरह इसमें ऑफर नहीं की गई, बट एक हैचबैक के हिसाब से तो काफ़ी बड़ी लगती है। बट अगेन मैंने जैसे कि बताया कि जो इंडिया में जब इसे लॉन्च किया जाएगा 4 मीटर के अंदर रखा जाएगा, तो उस वजह से कहीं ना कहीं स्पेस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ तो होगी। अब देखना ये होगा कि MG इसको किस तरीके से इंडिया में लॉन्च करती है। बाकी रेयर एसी वेंट्स पीछे अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है, बट स्पीकर सिस्टम सॉफ्ट टच मटेरियल ब्रश्ड, आपको एल्यूमिनियम फिनिशिंग और वुडन प्लास्टिक जो है वो सारा मिलेगा, ग्लॉसी ब्लैक क्रोम फिनिशिंग, साथ में USB का एक छोटा स्टोरेज। मतलब ये ना टेक्निकली एक प्रोटोटाइप वेरिएंट ही है, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन रेडी के बीच में कुछ है। अब अगर लोगों ने इस व्हीकल को देख के इंटरेस्ट दिखाया तो डेफिनेटली MG काम करेगी इसको इंडिया रेडी बनाने के लिए। अब मेजर बात ये है कि आपको दिखने में एक अच्छी हैचबैक मिल जाती है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है वो सोचना पड़ेगा, बिकॉज फीचर्स तो अच्छे हैं। 10.25 इंच की टच स्क्रीन है, 7 इंच का क्लस्टर है, और उसके अलावा आपको अच्छी खासी बूट स्पेस, 450 किलोमीटर्स तक की मैक्सिमम रेंज ऑफर की जाती है। बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसमें जो वेरियंट लॉन्च किया जाएगा वो अराउंड 300-350 किलोमीटर्स तक की रेंज प्रोवाइड करने वाला है। और अगर इसकी प्राइस रखी जाती है 10-12 तो मैंने ज़्यादा कम बोल दिया, 12-14 लाख के आसपास, तो मुझे लगता है एक अच्छा वैल्यूएबल प्रोडक्ट होगा, बिकॉज फीचर्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, साइज मोस्ट प्रॉब्ली अच्छा मिलेगा, लेकिन लॉन्च अभी थोड़ा दूर है, इस चीज़ को ज़रूर मानकर चले। एंड कैसी लगी ये MG4 मुझे नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करके बताएं। ऑटो एक्सपो में हमने और बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, उसे ज़रूर चेकआउट करें। मैं मिलता हूँ आप सब अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।